हमारे महान प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीष मिले। और आज हम वचन से देखेंगे दूसरा राजा उसका 5 अध्याय उसका 4 से लेके 6 पद तक। जी। तो नामान ने अपने प्रभु के पास जाकर कह दिया, इस्राएली लड़की इस प्रकार कहती है, आराम के राजा ने कहा, तू जा, मैं इसराइल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। तब वो 10 किक्कार चांदी और 6,000 टुकड़े सोना और 10 जोड़े कपड़े साथ लेकर रवाना हो गया, और वो इसराइल के राजा के पास वो पत्र ले गया जिसमें ये लिखा था, जब ये पत्र तुझे मिले तब जानना कि मैंने नमान नामक अपने एक कर्मचारी को तेरे पास इसलिए भेजा है कि तू उसका कोढ़ दूर कर दे। जी मेरे प्रिय, हम इस फेमस कहानी को जानते हैं जहाँ पे छोटी सी लड़की जो है वो परमेश्वर के बारे में गवाही देती है और कैसे नमान कोढ़ी जो है वो चंगाई को प्राप्त करता है। मेरे प्रिय, हम यहाँ पे देखते हैं कि ये छोटी लड़की जो है वो गुलामी में है, और गुलामी में इसलिए नहीं है कि उसने किसी गंभीर काम को किया या उसके परिवार ने कोई गंभीर काम को किया है। ये गुलामी इसलिए आई है क्योंकि इसराइल ने परमेश्वर को त्याग दिया और वो अपने मार्गों को लेकर के आगे चला गया। हम वो करेंगे जो हमको अच्छा लगता है, हम वो करेंगे जो हमको पसंद है, परमेश्वर के नियम और कामों को कानूनों को नहीं माना और अपने अनुसार अपने जीवन को लेके चले गए। और हम देखते हैं कि गुलामी आ गई और ढेर सारे लोग गुलामी में चले गए और ये छोटी बेटी भी गुलामी में है। सो मेरे प्रियो, कई बार बहुत जरूरी होता है कि हम सिर्फ अपने लिए और अपने परिवार के लिए सिर्फ प्रार्थना ना करें, पर जरूरी होता है कि हम समाज के लिए और लोगों के लिए भी प्रार्थना करें, क्योंकि उनके कार्य, उनकी चीजें जो है वो हमारे जीवन के ऊपर प्रभाव डालती है। पर क्या एक खूबसूरत बात है मेरे प्रियो कि मसीह जीवन बड़ा खूबसूरत होता है, और हम चाहे कैसे हालात में क्यों नहीं, हम चाहे जहां कहीं भी क्यों नहीं रहे, परमेश्वर की खूबसूरती हम तक पहुंच जाती है, उसका अनुग्रह हमको घेर लेता है, उसकी भरपूरी हमारे जीवन को आके भर देती है। आप चाहे कैसे मौसम में क्यों नहीं रहें, चाहे कैसे टाइम्स सीजन में आप अपने जीवन को व्यतीत क्यों नहीं करें, प्रभु का अनुग्रह आपको ढूंढ लेता है और उसका फजल हमको आकर के घेर लेता है। हम देखते हैं कि प्रभु की खूबसूरती इस बेटी के जीवन में भी आने पाई। जब इस बेटी ने नमान कोढ़ी को बताया कि ऐसा ऐसा है और इसराइल में भविष्यवक्ता है, एलीशा उसका नाम है, और वो तुम्हारे कोढ़ को चंगा कर सकता है। हम देखते हैं नमान जो है वो राजा के पास में जाता है और राजा को इस बात को बताता है कि राजा ऐसी सी बात है, मैं कोढ़ी हूँ और वहां पे अगर मैं चला जाऊंगा तो मैं चंगाई को प्राप्त कर सकता हूँ। और राजा जो है वो लेटर लिख देता है और अपने देश की सील को लगा करके भेज देता है कि जाओ और जाके तुम चंगाई को वहां से लेकर के आओ। और हम देखते हैं जब नमान जब यहाँ पे एलीशा के पास में आ रहा है, सो ये अकेला नहीं आ रहा है, ये ढेर सारे लोगों के साथ में आ रहा है। वर्स नंबर 9 में क्या लिखा हुआ है इसमें? तब नमान घोड़ों और रथों समेत, नमान घोड़ों और रथों समेत एलीशा के द्वार पर आकर खड़ा गया। रथों और घोड़ों के साथ में अकेला नहीं आया, 2-4 लोगों के साथ में नहीं आया, एक बहुत बड़ी ग्रैंड पार्टी के साथ में, ढेर सारे लोगों के साथ में ये आया। इसका मतलब ढेर सारे लोगों को मालूम था कि नमान जो है वो कोढ़ी है और यहाँ पे एलीशा के पास में क्यों आया। जब ढेर सारे लोगों को ये मालूम था कि नमान कोढ़ी है, तो आप सोचिए जब नमान को चंगाई मिली होगी, जब नमान चंगा हुआ होगा, तो कितने ढेर सारे लोगों को ये बात पता चली होगी कि इसराइल में एक परमेश्वर है जो कि अद्भुत कार्य को करता है, इसराइल में एक परमेश्वर है जो कि चंगाई को, छुटकारे को, परिवर्तन को देता है। कितने ढेर सारे लोगों को पता चला होगा जब ये बड़ी भीड़, ये रथ और घोड़ों से जब लोग आए होंगे, इन्होंने अपनी आंखों के सामने देखा होगा कि जब नमान ने 7 बार डुबकी लगाई तो उसके बाद भी उसका कोढ़ बिल्कुल जाता रहा। कितने हैरान और कितने बहुचकित होंगे और कितनी प्रभु की महिमा उन्होंने की होगी। और जब ये खबर राजा के पास में पहुंची होगी, उसके कोर्ट में बात पहुंची होगी, उसके दोस्तों, उसके रिश्तेदारों के पास में पहुंची होगी, तो परमेश्वर की कितनी बड़ी महिमा उस क्षेत्र में हुई होगी, कितनी बड़ी महिमा उस क्षेत्र में हुई होगी। मेरे प्रियो, कई बार हम सिर्फ अपने आशीषों के लिए बस इंटरेस्टेड होते हैं, हमारी सारी प्रार्थना, हमारी सारी कोशिशें इस बात की होती है, हम और हमारा परिवार,
हमारे रहम और हमारी चीजें बस ये बेहतर हो जाए और ये ठीक हो जाए। मेरे प्रिय परमेश्वर हम और हमारी चीजों को तो बेहतर कर देते हैं, खूबसूरत कर देते हैं, पर एक खूबसूरत बात है कि आपका जीवन परमेश्वर की महिमा के लिए काम आने पाए, आपका जीवन परमेश्वर की महिमा के लिए काम आने पाए। आप प्रभु से कहें या नहीं कहें, प्रभु का अनुग्रह आपको घेर के रखता है और आपको सुरक्षा में रखता है और आपकी सारी आवश्यकताओं को वो भरपूरी से पूरा करता है। जहां कहीं भी हम होते हैं, जिन भी परिस्थिति में होते हैं, उसका अनुग्रह हमारे लिए काफी होता है। जिन दिनों में हम चल रहे हैं, हमें मालूम है ढेर सारे लोग जो है इस परमेश्वर के वचन को क्लेम करें कि मेरे आसपास 1,000 गिर जाएंगे और मेरे दाहिने हाथ पे 10,000 गिर जाएंगे, लेकिन ये वबा हमारे खेमे के नजदीक नहीं पहुंच पाएगी। ढेर सारे लोग परमेश्वर के वचन को क्लेम करें, अपनी सुरक्षा के बारे में प्रभु के सम्मुख आ रहे और प्रभु की सुरक्षा उसके लोगों के ऊपर बनी हुई भी है। ढेर सारे लोग परमेश्वर की सुरक्षा की ओर देख रहे हैं और सुरक्षा को प्राप्त भी करें। मेरे प्रियो, आपकी आवश्यकताएं पूरी होंगी, वो परमेश्वर की तरफ से गारंटी है, वो चीजें होने पाएंगी। पर क्या एक खूबसूरत बात है कि अपनी आवश्यकताओं से हम बाहर निकल करके अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा कराने पाए, परमेश्वर की महिमा कराने पाए। आपके मुंह से कुछ ऐसे खूबसूरत शब्द निकल जाएंगे, आपके मुंह से कुछ ऐसी खूबसूरत बातें निकल जाएंगी जो कि परमेश्वर की बड़ी महिमा का कारण होंगी। ये छोटी सी लड़की जो है ये अपनी परिस्थितियों और अपने हालातों को लेकर रो नहीं रही है और वहां पे परेशान नहीं है, उन परिस्थितियों में उन हालातों में वो परमेश्वर को ट्रस्ट कर रही है, परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर रही है। और जब प्रभु के ऊपर विश्वास कर रही है उसके मुंह से कुछ अद्भुत बातें निकल रही। पवित्र आत्मा का कार्य उसके जीवन में है और पवित्र आत्मा के द्वारा उसके मुंह से कुछ अद्भुत बातें निकल रही है। कुछ गवाही ऐसे निकल गई जिस गवाही के कारण एक परमेश्वर की बड़ी महिमा होने पाई। सिर्फ नामान कोड़ी जो है वो चंगा नहीं होने पाया, पर उससे कहीं बड़ा कार्य ये होने पाया कि आराम का राजा, उसके कोर्ट के सारे ऑफिशियल्स और सारे बड़े बड़े हाकिम ये बात को जानने पाए कि इसराइल में एक परमेश्वर है जो कि सामर्थी परमेश्वर है, जो कि परिवर्तन को लेकर के आता है। मेरे प्रिय, सिर्फ आप अपने लिए अपने परिवार के लिए प्रार्थना मत करें, आप प्रभु के सम्मुख निकल करके आए, प्रभु के सम्मुख ठहरे और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। और मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरा प्रियो कि आप महिमा के पात्र होने पाएंगे, you will be a vessel of honor, आप एक ऐसे पात्र होने पाएंगे जिससे परमेश्वर की महिमा होने पाएगी, उसकी बड़ाई होने पाएगी, उसके नाम को बड़ा जलाल मिलने पाएगा। मेरा प्रियो, आप उत्साहित रहें तमाम परिस्थितियों में, आप निराश मत हो, प्रभु के सम्मुख ठहरें। परमेश्वर आपकी आवश्यकताओं को पूरी करते आए हैं और आइंदा भी आपकी आवश्यकताओं को पूरी कर देंगे, पर आपका कॉन्सेंट्रेशन आपका ध्यान इस बात के प्रति होने पाए कि आप जिस कारण से बनाए गए हैं वो बात पूरी होने पाए। हम इसलिए रचे गए हैं ताकि हमारे जीवन के द्वारा प्रभु की महिमा होने पाए, हमारे जीवन के द्वारा प्रभु की महिमा होने पाए। हमारी आवश्यकताएं पूरी होंगी, उसके लिए परमेश्वर का अनुग्रह काफी है। हम भरपूरी में अपने जीवन को व्यतीत करेंगे, उसके लिए परमेश्वर का अनुग्रह काफी। पर आवश्यकता इस बात की है कि आप अपने जीवन को अलाउ करें कि उससे प्रभु की महिमा होने पाए। आप सोचे कि प्रभु की कितनी बड़ी महिमा हुई, और ना सिर्फ प्रभु की इतनी बड़ी महिमा हुई, उसके बाद में क्या हुआ, इस लड़की के साथ में क्या हुआ होगा, इस लड़की को कितना आदर मिला होगा, इस लड़की को कितना सम्मान मिला होगा, और इसके मालिक जो होगे और इसकी मालकिन जो होगी अब इसके प्रति बदल गई होगी। सारे जीवन जितने दिन ये वहां पे गुलामी में रही होगी, इसके प्रति इसके मालिकों का जो एटीट्यूड था इसके प्रति चेंज हो गया होगा, जो नजरिया होगा वो बदल गया होगा, ना सिर्फ इसलिए इस छोटी बेटी के प्रति, पर जितने भी इसराइली गुलामी में होंगे, जितने भी इसराइली आराम के देश में उस समय गुलामी में होंगे, सबके लोगों को इज्जत मिलेगी, सबके मालिक जो होंगे, सबके जो हाकिम होंगे उनको फर्क तरीके से देख रहे होंगे, नहीं ये प्रभु के लोग हैं, नहीं ये प्रभु के लोग हैं। कितनी बड़ी महिमा, कितनी बड़ी महिमा फिर भी होने पाए कि हमारे जीवनों से प्रभु की महिमा होने पाए, हम एक वेसल ऑफ ऑनर होने पाए, हम एक ऐसे पात्र होने पाए, हम एक ऐसे बर्तन होने पाए जिससे प्रभु की महिमा जो है वो बाहर निकलने पाए। प्रभु आपको आशीष दे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। जी, हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपकी महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं, बड़ाई करते हैं, क्योंकि आपने हमको केवल पाप से ही नहीं छुड़ाया, पर जबकि आपकी हमारे लिए विशेष योजनाएं हैं प्रभु, हम उस योजनाओं को पूरा करने के लिए, उन बुलाहटों को पूरा करने के लिए पिता हम सब अपने प्रियों को आपके हाथों में सौंप देते हैं। मदद करें पिता परमेश्वर उन उत्तम बातों को ग्रहण करने के लिए जो आप हमारे विषय में सोचते हैं। आप केवल ये नहीं चाहते प्रभु कि केवल हम ही आशीष पाएं, आप चाहते हम
हमारे द्वारा और बहुत सारे लोगों के जीवन बचने पाए, इन मौकों को, इन अवसरों को ना चूकने के लिए पिता मेरे प्रियो की सहायता करें, और अपने आप को समर्पित करने के लिए और एक जिम्मेदारी के रूप में जीने के लिए प्रभु आप मेरे प्रियो की सहायता करें। धन्यवाद प्रभु, विशेष योजना जब हमारे लिए रखते हैं प्रभु, हम उन योजनाओं के लिए अपने सारे एक एक जन को, अपने सारे प्रियो को, हम सबको आपके हाथ में सौंपते हुए इस प्रार्थना को हम यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। God bless you. जय मसीह। जय मसीह की।